रिकी पॉन्टिंग के बयान से कंगारू को लग गई मिर्ची, न्यूजीलैंड भी खा गया चक्कर, इंग्लैंड भी हो जाएगी परेशान, अब भारत जीतेगा वर्ल्ड कप। भारत के पास है रोहित शर्मा जैसे कप्तान, और हिटमैन का बल्ला जब चलता है तो विरोधी हो जाते हैं परेशान, रिकी पॉन्टिंग ने भी माना रोहित शर्मा का लोहा। विराट है जज्बाती खिलाड़ी, कप्तान के तौर पर नहीं चल रहा था बल्ला, अब विराट ले चुके हैं विकराल रूप, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भारत को दिलाने के लिए तैयार। भारत के एक नंबर से लेकर 11 नंबर तक के खिलाड़ी इस वर्ल्ड कप में होंगे गेम चेंजर, हर खिलाड़ी की अपनी एक अलग प्रतिभा जो पल भर में पलट सकते हैं मैच। टीम इंडिया के विश्व कप 2023 में अपने अभियान की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8 विकेट से धमाकेदार जीत के साथ शुरू की थी, और इसके बाद टीम इंडिया ने अगले मुकाबले में अफगानिस्तान को 6 विकेट से हराकर जीत के अभियान को बरकरार रखा और अपनी नजर चीर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के ऊपर जमाए रखा। 14 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान की टीम मात्र 191 रन पर ढेर कर दी, और ऐसे में भारत एक तरफा मैच जीत गया, और इसी के साथ टीम इंडिया ने विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ 8-0 के अजेय अभियान को बरकरार रखा। टीम इंडिया ने अब तक के प्रदर्शन से अंदाजा लगाया जा सकता है कि टीम इंडिया इस बार विश्व कप अपने नाम कर सकती है, हालांकि अभी टूर्नामेंट का शुरुआती दौर है और ऐसे में टीम इंडिया को अपनी बाकी मुकाबले में ये प्रदर्शन दोहराना होगा। इस बीच टीम इंडिया के विश्व कप जीतने की उम्मीद पर ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी और पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। ऑस्ट्रेलिया के महान क्रिकेटर रिकी पॉन्टिंग का मानना है कि निश्चित कप्तान रोहित शर्मा भारत को उसकी धरती पर दूसरा विश्व कप दिला सकते हैं। लगातार 3 शानदार जीत के बाद भारत ने अपने विश्व कप अभियान का बेहतरीन आगाज किया है। पॉन्टिंग ने आईसीसी से कहा कि वो बिल्कुल बेपरवाह हैं, चिंता रहित, वो विचलित नहीं होते और उनके खेल में ये दिखता है, वो शानदार बल्लेबाज हैं और मैदान के भीतर और बाहर भी निश्चिंत सा दिखता है। रोहित शर्मा दिसंबर 2021 में विराट कोहली की जगह भारत के लिए कप्तान बने थे। पॉन्टिंग का मानना है कि रोहित की कप्तानी में विराट अपनी बल्लेबाजी का पर फोकस कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि विराट काफ़ी जज्बाती खिलाड़ी है, वो प्रशंसकों की सुनता है और उन्हें जवाब भी देता है, उनके जैसे व्यक्ति के लिए ये काम थोड़ा कठिन था। पॉन्टिंग ने कहा कि रोहित को कठिनाई नहीं होगी, वो शानदार खिलाड़ी हैं और कप्तानी भी बहुत अच्छी कर रहे हैं। भारत के पिछले बार 2011 में श्रीलंका को फाइनल में हराकर अपनी धरती पर विश्व कप जीता था। अपने देश में खेलने का अच्छा प्रदर्शन करने का दबाव होता है, लेकिन रिकी पॉन्टिंग ने कहा कि रोहित इससे निपटने में सक्षम है। उन्होंने कहा यह नहीं कह सकते कि भारत अपेक्षाओं का दबाव नहीं होगा, जरूर होगा, लेकिन रोहित शर्मा इससे निपट सकते हैं। भारत के पास बहुत प्रतिभाशाली टीम है और उनके तेज गेंदबाजी, स्पिन, शीर्षक्रम, मध्यक्रम सब कुछ उम्दा है और उन्हें हराना बहुत कठिन होगा। वैसे रिकी पॉन्टिंग की भविष्यवाणी को लेकर आपका क्या सोचना है, अपनी प्रतिक्रिया हमको जरूर बताएं। बड़े रहें ज्योति न्यूज के साथ, लेकिन अगर ये खबर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करना ना भूलें।